तो दोस्तों सैमसंग बहुत ही जल्द अपना एक और धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो कि होने वाला है बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ। और दोस्तों ये स्मार्टफोन उन लोगों को ज्यादा पसंद आने वाला है जो कि गेमिंग बहुत ही ज्यादा करते हैं अपने स्मार्टफोन में। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का नाम होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M30s जो कि सक्सेसर होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M30 का, जिसमें हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती थी। दोस्तों सैमसंग ने अभी से टीज करना स्टार्ट कर दिया स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6000mAh की बैटरी जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा पावरफुल बैटरी होने वाला अभी तक का। और दोस्तों उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन से। तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में सैमसंग गैलेक्सी M30 के जैसा ही आपको देखने को मिलने वाला ग्लोसी ग्रेडिएंट डिजाइन बैक साइड में जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन ग्लास फिनिशिंग के साथ। बट दोस्तों आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला एक प्लास्टिक बॉडी और उसके साथ ही दोस्तों आपको स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी M30 में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही दोस्तों आपको स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है जो कि एक बहुत ही यूनिक शेप के साथ आता है। वहीं बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस का स्क्रीन। बट दोस्तों इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है या एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाला है इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट मोस्ट प्रोबेबली इस स्मार्टफोन में आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल सकता है क्योंकि गैलेक्सी M30 में हमें एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिला था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिल सकता है जो कि आने वाला 30 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। वहीं बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की प्रोसेसर की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला सैमसंग के खुद का ही प्रोसेसर जो कि होने वाला है एक्सिनोक्स के 9611 का SoC जो कि आने वाला है 2 RAM वेरिएंट के साथ जो कि होने वाला है 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको 15,000 rupees के करीबन देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको एक बड़ा रैम वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है 6GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी प्राइसिंग आपको 17,000 से 18,000 रुपए के करीबन देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैक साइड की कैमरास की तो दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला है प्राइमरी 48 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ। बट इस स्मार्टफोन में आपको सोनी के IMX586 का सेंसर देखने को मिलने वाला है या सैमसंग के खुद का सेंसर देखने को मिलने वाला है इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। बट दोस्तों उसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की जो कि इस स्मार्टफोन को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 6000mAh की बैटरी जो कि आने वाला है 18W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 3.5mm ऑडियो जैक USB टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। बात करें स्मार्टफोन की प्रोसेसर की दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट जो कि आने वाला है सैमसंग के 1 UI के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की बात की जाए तो दोस्तों स्मार्टफोन को रिलीज किया जाएगा इंडिया में सितंबर के महीने में ही क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन को अभी से ही सैमसंग ने टीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपको ये फोन बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे थे। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ लीक्स और कन्फर्मेशन जो कि मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।